चले बच्चों, तो हम लोग 11.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कशन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए थोड़ा सा हम लोग थ्योरी कॉन्सेप्ट देखते हैं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये लाइन। अभी तो इसमें गिवन क्या होगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी, उसके ऊपर टू पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। एक ए पॉइंट दे रखा है और एक बी पॉइंट दे रखा है। मींस किसी स्ट्रेट लाइन पर आपको कितने पॉइंट्स गिवन होंगे, टू पॉइंट्स गिवन। क्लियर है? अब मेरी बात समझो बेटा, हम लोग 3D में दो तरीके से इक्वेशंस को लिखते हैं। एक तरीका होता है वेक्टर फॉर्म का और एक तरीका होता है बेटा कार्टेशियन फॉर्म का। जो वेक्टर फॉर्म होती है वो वेक्टर्स के टर्म में होती है और जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो एक्स वाई और जेड के टर्म में होती है। तो अभी मुझे कितने पॉइंट्स दे रखे हैं? अच्छा एक चीज ये बताओ बेटा, जैसे हम आपसे कहें कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो कितनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए? टू। क्या क्या पता होना चाहिए? एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। जैसे लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा, क्या पता होना चाहिए? पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। अब इन दोनों में से हम किसी को एक पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट आपको एक पॉइंट दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए। तो क्या हमें पॉइंट पता चल गया, पॉइंट वाला वेक्टर पता चल गया? अच्छा आप देखो, हमें पॉइंट पता चल गया लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, पैरेलल वेक्टर भी पता होना चाहिए। अब तो क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ए से बी, क्या ए बी वेक्टर इस लाइन के ऊपर है? यदि ए बी वेक्टर इस लाइन के ऊपर है तो ए बी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल भी होगा। आ रही बात समझ में? तो हम लोग बहुत ध्यान से देखें, पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग देखें तो पॉइंट वेक्टर कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर। और ये बात करें पैरेलल वेक्टर की, किसकी बात करें, तो पैरेलल वेक्टर कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्या मुझे पॉइंट पता है, क्या मुझे पैरेलल वेक्टर पता है? अब दो इंफॉर्मेशन पता, तो इक्वेशन क्या होती बेटा, आर इक्वल टू पॉइंट, पॉइंट वाला वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। ये तो इक्वेशन होती है। यदि स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी तो आर इक्वल टू पॉइंट वाला वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। तो आर इक्वल टू पॉइंट वेक्टर क्या बेटा, ए, अरे ये तो पॉइंट वाला, प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर कौन सा बेटा, ए बी। अच्छा ए बी को हम लोग पोजीशन वेक्टर में चेंज कर दें, ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी। अब समझना बेटा, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी को क्या लिखोगे बेटा, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का। तो ए बी को लिखोगे बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। अच्छा ये कौन सी इक्वेशन बेटा, कौन सी वेक्टर फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, लेकिन कब है बेटा, जब टू पॉइंट्स की वैल्यू, कितने पॉइंट्स, तो ए भी अपना यहां पर पॉइंट है और बी भी पॉइंट ही है, बी पैरेलल वेक्टर नहीं है। इस केस में जो बी है वो क्या है, पॉइंट। तो आर इक्वल टू फर्स्ट वाला पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। याद रखोगे कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, ये वेक्टर। वेक्टर फॉर्म कब है, जब टू पॉइंट्स गिवन हो, फर्स्ट पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट बी, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म बनेगी क्या, आर इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए मतलब सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर? अच्छा अभी इसका कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। जैसे ए पॉइंट है तो ए पॉइंट कुछ आपका इस तरीके से होगा, एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा सेवन, अरे पॉइंट ही तो है ए। अच्छा ये जो बी है ये पॉइंट कुछ आपका इस तरीके से होगा, एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू, ये होगा। अब ये बोले ए का पोजीशन वेक्टर कौन है, ए। तो ए का पोजीशन वेक्टर ए है, ए को कैसे लिखोगे, पॉइंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वेक्टर में। तो उसका क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर। तो ए वेक्टर हो जाएगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। अच्छा बी वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर कौन है, बी। तो पॉइंट को किस में कन्वर्ट कर दें, वेक्टर में।
बी पॉइंट को हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, एक्स टू के साथ आई कैप, वाई टू के साथ जे कैप, जेड टू के साथ के कैप। क्या अभी पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर लिख दिया? चलिए इसमें पुट करते हैं हम लोग। अच्छा आर क्या होता है बेटा? आर को याद करें, लास्ट लेक्चर पे हमने बताया था क्या था, आर इन जनरल वेक्टर। क्या था जनरल वेक्टर का मतलब? इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट ले लें, मान लीजिए पी पॉइंट लिया, तो पी पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अपना आंसर तो एक्स वाई जेड में आएगा ना, कार्टेशियन इक्वेशन, इसी को हम लोग आर वेक्टर बोलते हैं। इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप, जेड के साथ के कैप, है ना। जो आर वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है, जनरल वेक्टर है, जनरल पॉइंट है। अच्छा आप देखो बेटा, इसमें हम लोग रखें आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, क्या ये होता है? चलिए आर कितना बेटा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए वेक्टर कितना बेटा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, प्लस क्या लिखोगे, लैम्डा टाइम्स। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, लैम्डा के साथ क्या लिखा, बी माइनस ए वेक्टर, तो बी माइनस ए वेक्टर करते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, b से a वेक्टर घटाते हैं, तो x2 से कौन गया, x2 से x1 i कैप, y2 से कौन गया, y1 j कैप, z2 से कौन गया, z1 k कैप। आ रही बात समझ में बेटा? ठीक है ये हो गया, क्या इसमें दिख रहा है ये लास्ट में पूरा आ रहा है, देख लो सर k कैप नहीं आ रहा बस। चलिए तो R की जगह ये वेक्टर हो गया, A की जगह फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, लैम्डा टाइम्स लिखा, B से A को सबट्रैक्ट करके लिखा, X2 minus X1, Y2 minus Y1, Z2 minus Z1। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, इधर है XI plus YJ plus ZK, उस साइड वेक्टर को वेक्टर से ऐड करना है, ऐड करते हैं, बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा यहां पर करने को तो ठीक है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। यहां आई कैप का कोफिशिएंट एक्स वन, यहां पर आई कैप का कोफिशिएंट आएगा लैम्डा टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, इसको और भी सॉल्व कर सकते थे हम लोग, लेकिन फिर भी अब ये अप्रोच हो गई तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आई कैप वाले हम लोग ऐड करते हैं, यहां पर एक्स वन है प्लस यहाँ पर क्या लिखा है लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, और इसके साथ क्या लगाओगे बेटा i कैप। चलिए j कैप वाले देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बेटा y1 प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ पर क्या है y2 माइनस y1, इसके साथ क्या लगाओगे k कैप। चलिए देन हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है z1, आगे क्या लिखा हुआ है लैम्डा टाइम्स, है ना, ये लैम्डा मल्टीप्लाई होगा लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1, और इसके साथ क्या लगाओगे k कैप, क्लियर है। अच्छा अब एक चीज, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेक्टर है और राइट हैंड साइड में भी वेक्टर है, और दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब इधर वाले का i का कोफिशिएंट और उधर वाले का i का कोफिशिएंट इक्वल हो। यहां पर i का कोफिशिएंट कितना है x, उस साइड कितना है x1 प्लस लैम्डा x2 minus x1, बोलो भाई। चलिए अच्छा यहाँ पर j का coefficient क्या है y, इस side क्या है y1 plus lambda y2 minus y1, अच्छा यहाँ पर k का coefficient क्या है z, यहाँ इधर कितना है z1 plus lambda z2 minus z1, आ रही बात समझ में। चलिए अब बहुत ध्यान से देखो, x1 को इधर भेजें तो x1 इधर आ गया, x minus x1 equal to lambda x2 minus x1, चले y1 इधर भेज दे y minus y1 equal to lambda y2 minus y1, चले z1 इधर भेज दे z minus z1 equal to lambda z2 minus z1। चले अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, ये इधर भेज दे lambda के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में क्या बचा, x minus x1 upon x2 minus x1, किसकी वैल्यू आई लैम्डा की,
यहाँ पर क्या बनेगा वाई माइनस वाई वन पहले से है और ये मल्टीप्लिकेशन वाला इधर आ जाएगा, डिवीजन में क्या बनेगा वाई टू माइनस वाई वन, इधर पहले से कौन था लेमडा के बराबर हो गया, अरे इधर लेमडा बचेगा। अच्छा इधर देखो जेड माइनस जेड वन अपॉन में ये मल्टीप्लिकेशन वाला इधर डिवीजन में आ जाएगा z2 माइनस z1, उधर क्या बचेगा लैम्डा। क्या तीनों वैल्यूज लैम्डा की हैं, क्या तीनों इक्वल होंगे, तो तीनों को इक्वल कर देते हैं। यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल होगा, यहां पर लैम्डा की वैल्यू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, यहां पर लैम्डा की वैल्यू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये तीनों की तीनों किसकी वैल्यू से बेटा किसकी है लैम्डा की वैल्यू से, क्लियर है। तो फटाफट ये लिख लें ये कौन सी फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म, फटाफट नोट करें स्पीड में। चलिए बच्चों तो क्वेश्चन नंबर एक में हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। देख लेते पहले क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। अच्छा एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन और इस पॉइंट से पास हो रही, मतलब इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो यार बेटा याद करें हमने लाइन की दो फॉर्म पढ़ी थी, एक कार्टेशियन इक्वेशन और एक वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब वेक्टर इक्वेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आर इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट का पोजिशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, ये तो वेक्टर इक्वेशन थी। अच्छा फर्स्ट पॉइंट क्या है ओरिजिन, तो फर्स्ट पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है आप क्या लिख सकते हो 0i + 0j + 0k लिख सकते हो। अच्छा सेकंड पॉइंट आपका क्या है 5 - 2, 3, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया 5i - 2j + 3k। क्या दोनों पॉइंट को हमने एज अ पोजीशन वेक्टर लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। अच्छा अब देखो बेटा इसमें जब वेक्टर इक्वेशन लिखने चलोगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी b माइनस a की, तो हम लोग कर रहे b माइनस a। अच्छा b से a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो b ही आएगा, अरे 5 से 0 गया y क्या माइनस 2 j क्या 3 k क्या। चलिए इसमें रख देते हैं r इक्वल टू a की जगह 0 a की जगह 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a कितना बेटा 5i माइनस 2j प्लस 3k। आप बहुत ध्यान से देखें r इक्वल टू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया वेक्टर फॉर्म। अच्छा एक चीज बहुत ध्यान से मेरी बात समझना बेटा, एक कार्टेशियन इक्वेशन भी हम लोगों ने पढ़ी थी, कार्टेशियन इक्वेशन क्या था x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, जब टू पॉइंट्स गिवन होते थे इक्वल टू में क्या होगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, इक्वल टू क्या होगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, अरे बोलो भाई यही तो इक्वेशन थी। अच्छा अभी क्या फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है, फर्स्ट पॉइंट क्या है ओरिजिन, तो 0, 0, 0 फर्स्ट पॉइंट को हम लोग क्या मानते थे x1, y1, z1, मतलब x1 की वैल्यू कितनी 0, y1 की वैल्यू कितनी 0, z1 की वैल्यू कितनी 0, ये बात समझ में आई। चलिए सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 5 माइनस 2 कॉमा 3, तो सेकंड पॉइंट कितना होता है आपका x2, y2, z2। अब बहुत ध्यान से देखो x2 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू माइनस 2, z2 की वैल्यू 3, बस इस पर पुट कर दें x माइनस x1 कितना बेटा 0, y माइनस y1 कितना है 0, z माइनस z1 कितना 0, अपॉन में क्या लिखेंगे यहां पर x2 माइनस x1, तो 5 से 0 गया 5, फिर क्या लिखेंगे y2 माइनस y1, माइनस 2 से 0 गया माइनस 2, फिर z2 माइनस z1, 3 से 0 गया 3, ये कौन सी फॉर्म आ गई कार्टेशियन। अच्छा अभी मेरी बात सुन बेटा, जैसे मान लीजिए वो केवल कह रहे हैं कि कौन सी फॉर्म निकालनी है, कुछ तो बोला ही नहीं फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप केवल कौन सा फॉर्म करें कार्टेशियन, कौन सा कार्टेशियन, ठीक है। यदि वो आपसे कहे कि वेक्टर फॉर्म निकालिए तो वेक्टर फॉर्म निकाले, नहीं तो केवल केवल कार्टेशियन फॉर्म ही आंसर करें, ठीक है। चलिए बच्चों
जो क्वेश्चन नंबर 9 है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। क्या बोला गया? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3-2-5 and 3-2-6। दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इन दोनों से पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन देनी है। क्लियर है? चलिए अब मेरी बात समझना बेटा। मान लीजिए हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो फर्स्ट वाले पॉइंट को हम लोग ए वेक्टर मानते हैं, तो ए वेक्टर हो गया 3 के साथ आई, माइनस 2 के साथ जे, माइनस 5 के साथ के लग जाएगा। तो 3 के साथ आई, माइनस 2 के साथ जे, माइनस 5 के साथ के लग गया। तो फर्स्ट पॉइंट का ये अपना पोजिशन वेक्टर हो गया। तो ये सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है, इसका पोजिशन वेक्टर लिखते हैं 3 के साथ आई, माइनस 2 के साथ जे और 6 के साथ के लग जाएगा। तो बी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर हो जाएगा आपका 3i माइनस 2j प्लस 6k। वी नो दैट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था जो इक्वेशन होती है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a, तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी होगी बेटा? b माइनस a की। तो b वेक्टर से a वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 3 से 3 गया 0, माइनस 2 से माइनस 2 गया 0, अच्छा 6 से माइनस 5 गया 11। क्या ये b माइनस a वेक्टर हो गया? चले कार्टेशियन इक्वेशन सॉरी वेक्टर इक्वेशन क्या होती, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, r इक्वल टू a, a वेक्टर कितना बेटा 3i माइनस 2j माइनस 5k, लैम्डा टाइम्स b माइनस a, b माइनस a वेक्टर क्या है 0i प्लस 0j प्लस 11k। आ रही बात समझ में? ये कौन सी फॉर्म आ गई? वेक्टर फॉर्म। चलिए अच्छा कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करते हैं, आपका जो पॉइंट होता था a, आप उसको क्या मानते थे x1, y1, z1। अच्छा ये a पॉइंट फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं 3-2-5, a तो है। चलिए तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, y1 की वैल्यू -2, z1 की वैल्यू -5। चलिए b पॉइंट हम लोग जनरली कंसीडर करते थे x2, y2, z2, तो b पॉइंट आपका कितना हो गया 3-2, 6। चलिए x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -2, z2 की वैल्यू 6। चलिए कार्टेशियन इक्वेशन होती थी x-x1 / x2-x1 = y-y1 / y2-y1 इक्वल टू z-z1 / z2-z1। ये बात समझ में आ रही बेटा? चलिए अब बहुत ध्यान से देखना है, x माइनस a का x कोऑर्डिनेट कितना 3, y माइनस a का y कोऑर्डिनेट कितना -2, z माइनस y का z कोऑर्डिनेट कितना -5 अपॉन में x2-x1 यहां लिखते हैं, तो 3 से 3 गया 0, -2 से -2 गया 0, 6 से -5 गया 11। ये इक्वेशन आपकी किसकी इक्वेशन आ गई बेटा? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा आप ये मत सोचना कि एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ऐसा नहीं मत सोचना, आपकी ये कार्टेशियन फॉर्म लिखी हुई है। क्लियर है? फटाफट इसको नोट कर ले, ये 3D में ऐसा है। चलिए बच्चों तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 13 तक, 10 से लेके 13 तक आपके जो क्वेश्चंस हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस पर बेस्ड हैं। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। बहुत ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है L1। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, ऐसी कुछ इक्वेशन होगी। अच्छा एक काम करते हैं, फर्स्ट लाइन में a1 और b1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को? जो आपकी स्ट्रेट लाइन फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, a की जगह a1 है और b की जगह b1 है। तो a1 हो गया जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है और b1 हो गया जिसके पैरेलल ये लाइन है, अरे b1 वेक्टर इसके पैरेलल होगा। चलिए एक दूसरी लाइन लेते हैं l2, ये L2 लाइन है, ये L2 लाइन है और इसकी कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन है a प्लस लैम्डा b और इसमें a2 और b2 कर दिया गया, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b होता है। बस ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास हो रही है a2 से और इसके पैरेलल वेक्टर कौन सा है b2 वेक्टर है।
अब मेरी बात समझो बेटा, इन दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल दिख रहा है? थीटा। थीटा बना दिया हमने। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना, जितना इन लाइंस के बीच में एंगल है क्या उतना ही इनके पैरेलल वेक्टर के बीच में भी एंगल होगा? मेरी बात समझने की कोशिश करना। जैसे ये L1 लाइन है तो इसके पैरेलल ये हम क्या इसको A वेक्टर इतने को मान सकते हैं? मान लीजिए यहां पर हमने इसकी डायरेक्शन में A वेक्टर बना दिया, ये A वेक्टर हो गया। चलिए ये L2 लाइन है, इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर है? एक मिनट गलती हो रही है। L1 के पैरेलल कौन सा वेक्टर था? B1। इसके पैरेलल वेक्टर कौन सा हो गया? B1। और L2 के पैरेलल कौन सा वेक्टर है? B2। बोलो भाई। तो हम कहेंगे जितना L1 और L2 के बीच में एंगल है उतना ही B1 और B2। अरे भाई L1 के पैरेलल B1 है, L2 लाइन के पैरेलल B2 है, तो जितना L1 लाइन और L2 लाइन के बीच में एंगल है उतना ही B1 और B2 के। तो हम लोग कहते हैं कि दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना मतलब उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, किसके? B1 और B2 के बीच। अब मेरी बात समझो बेटा, ये दो वेक्टर्स गिवन होते थे उनके बीच में एंगल कैसे निकालते थे? वेक्टर्स में जाए, दो वेक्टर्स गिवन होते थे उनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला कहते थे फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर। याद करें भाई, इक्वल टू में क्या होता था? कॉस थीटा, ये तो होता था। अभी यहाँ पर कौन कौन से वेक्टर्स हैं? L1 के पैरेलल B1 है, L2 के पैरेलल B2, मतलब B1 और B2 के बीच में एंगल निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? cos थीटा इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो आपको सीधे सीधे ये दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? कुछ नहीं सोचना है, आप ये बोलोगे दो लाइंस के बीच में एंगल का मतलब है B1 और B2 के बीच में एंगल निकाल दो, ठीक है? और B1 और B2 के बीच में एंगल कैसे निकालोगे? cos theta equal to B1 dot B2 upon में mod of B1 mod of B2। ये बात क्लियर हो गई? पक्का, ठीक है। तो हम लोग एक अच्छा एक चीज और सुनो बेटा, ये तो हमने किस फॉर्म में चीजें लिखी, किस फॉर्म में फॉर्मूला एनालिसिस की? वेक्टर फॉर्म में। मान लीजिए अपनी कोई लाइन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो हम कार्टेशियन फॉर्म को क्या कर लेंगे? वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। और वेक्टर फॉर्म में चेंज हो गया, हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, मतलब हम लोग एक ही चीज याद रखें तो ज्यादा बेटर है, दो तरफ मुंह नहीं मारेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन को कैसे सोचेंगे? वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में सोच करके हम वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। क्लियर है? फटाफट इसको नोट करें, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग बहुत ध्यान से, आप लोग पहले देखो, आगे अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? टेंथ में। अच्छा, ये जो इक्वेशन लिखी है किसकी इक्वेशन है? R इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, ठीक है? क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? अच्छा, दूसरी भी देखो, R इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा की जगह क्या कर दे रहे हैं? म्यू, कोई दूसरा कांस्टेंट होगा क्योंकि दूसरी लाइन, ठीक है? तो R इक्वल टू A प्लस म्यू टाइम्स B वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज हो, ये पॉइंट है जिससे फर्स्ट लाइन पास हो रही है, और ये क्या है? ये पैरेलल वेक्टर है किसके? फर्स्ट लाइन के। अच्छा देखना, दूसरी लाइन में देखना, दूसरी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के क्या है? पैरेलल है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों लाइंस के बीच में क्या निकालना है? इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल दो लाइन के बीच में निकालना मतलब उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में निकालना है। तो फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है? जो लैम्डा के साथ में, कौन है बेटा? B1। क्या लिखोगे? 3i प्लस 2j प्लस 6k। अच्छा, दूसरी लाइन दिख रही बेटा, दूसरी लाइन में पैरेलल वेक्टर दिख रहा है i प्लस 2j प्लस 2k, तो ये क्या हो गया? B2। क्या हो गया? i प्लस 2j प्लस 2k। ये बात समझ में आई बेटा?
कोई दिक्कत किसी को? तो फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर v1, सेकंड लाइन का पैरेलल वेक्टर v2, v1 पता है, v2 पता है, इनके बीच में एंगल निकाल दो, वही लाइंस के बीच में एंगल होगा। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का फार्मूला, दोनों का डॉट निकाले, दोनों का मॉड। तो हम लोग क्या करें, बी वन का डॉट करने किससे, बी टू से। अच्छा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, आई का कोफिशियंट आई के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई होगा, थ्री का मल्टीप्लिकेशन किससे, वन से, थ्री वन जा थ्री। अच्छा टू इंटू टू फोर, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, कितना बना बेटा 19। मॉड ऑफ बी वन निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर आई का कोफिशियंट कितना बेटा थ्री, थ्री का स्क्वायर 9, 2 का कोफिशिएंट सॉरी j का कोफिशिएंट कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, k का कोफिशिएंट कितना 6, 6 का स्क्वायर 36, कितना बना 7। चलिए b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अंडर रूट i का कोफिशिएंट कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, j का कोफिशिएंट कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, k का कोफिशिएंट कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, कितना बना 3। क्लियर है? चलिए cos थीटा का फार्मूला, b1 dot b2 upon में mod of b1 mod of b2। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? चलिए मेरी बात समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा, बहुत ध्यान से देखो बेटा, b1 dot b2 कितना है 19, mod of b1 कितना है 7, mod of b2 3, cos theta, तो theta की वैल्यू, एक मिनट, थीटा की वैल्यू क्या 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा cos इनवर्स, ऊपर क्या बना 3, नीचे क्या बना 7। क्लियर, लिखो आप सर, अच्छा ऊपर 19 है, एक मिनट कैंसिल नहीं होगा, फिर ये 19 है तो 19 by 21 है, 9 लिख गया है ना। चलिए बच्चों तो आई थिंक मेरी बात समझो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या इक्वेशन दे करके आप पहचान पा रहे हैं किसकी इक्वेशन से, लाइन की कौन सी फॉर्म है, कैसे होता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z, कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन। ठीक है, अच्छा किसकी फॉर्म, किसकी इक्वेशन है ये, लाइन की। अब करना क्या है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में क्या निकालना है, थीटा, थीटा मतलब दोनों लाइंस के बीच में क्या एंगल होगा। अच्छा एक चीज ये बताओ बेटा, जब कार्टेशियन इक्वेशन लिखी होती तो ये जो नीचे लिखा होता है क्या यही पैरेलल वेक्टर होता है, अरे x माइनस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपॉन a, y माइनस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन b, z माइनस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट अपॉन c, नीचे a b c लिखे होते हैं वही तो पैरेलल वेक्टर होता है। तो फर्स्ट लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या है, b1, क्या लिखा 2i plus 5j minus 3k। अरे सिमिलरली सेकंड लाइन में पैरेलल वेक्टर निकाल सकते हो, तो सेकंड लाइन में पैरेलल वेक्टर क्या होगा, माइनस 1 के साथ i कैप और 8 के साथ j कैप और 4 के साथ k कैप, क्या आपको b1 और b2 पता चल गया। अच्छा हम बोलते हैं कि दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना, मतलब उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो b1 और b2 के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, पहले इनका डॉट फिर इनका मैग्नीट्यूड। चलिए इनका डॉट निकालते हैं, b1 डॉट b2। अच्छा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है सर, i का कोएफिशिएंट i के कोएफिशिएंट 2 into minus 1 minus 2, 5 into 8 minus 3 into 4 कितना बचा, कितना 26, पक्का लिख दें। चलिए मॉड ऑफ b1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना बना 48, पक्का लिख दे रहे रूट 48। चलिए मॉड ऑफ b2 देखें, अंडर रूट के अंदर माइनस वन का स्क्वायर वन, एट का स्क्वायर रूट 38, पक्का यस सर रूट 38। चलिए इसके माइनस वन का स्क्वायर वन, एट का स्क्वायर 64, फोर का स्क्वायर 16, कितना बना रूट 81, रूट 9 हो जाएगा, रूट का 81 मतलब
ऊपर वाला रूट 38 बन रहा है पक्का। चलिए cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b1 डॉट b2 अपॉन में मॉड b1 मॉड b2। चलिए b1 डॉट b2 कितना होगा 26, मॉड ऑफ b1 कितना है रूट 38, मॉड ऑफ b2 9। तो cos थीटा की वैल्यू है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऊपर 26 अपॉन 9 रूट 38। ये कुछ कैंसिल कैंसिल हो रहा है तो अंदर कैंसिल कर लेने के लिए आंसर फटाफट नोट करें। चलिए मेरी बात समझे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बेटा, आपको ये ऊपर फर्स्ट लाइन दे रखी है ठीक है, और ये एक नीचे सेकंड लाइन दे रखी है, और बोला गया ये दोनों लाइंस, ये जो L1 लाइन है और L2 लाइन, L1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू L2 लाइन, मतलब जो फर्स्ट लाइन है वो सेकंड लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, P की वैल्यू बतानी है। अच्छा यदि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके वेक्टर्स पैरेलल वाले वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा एक चीज ये बताओ, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उसकी कंडीशन वेक्टर्स में पढ़ाई थी कब होते हैं, यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं कब, जब उनका डॉट जीरो, यदि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट जीरो हो गया इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये दो लाइंस कब परपेंडिकुलर होंगी, जब इनके पैरेलल वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, मतलब पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए जीरो हो जाए। ये बात समझ में आ रही है, चलो भाई अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कौन सी फॉर्म नहीं है स्टैंडर्ड, तो हम पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि अपनी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो x माइनस x1 अपॉन a होती है, क्या होती है x माइनस x1 अपॉन a। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, हमेशा याद रखना x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, x माइनस x1 करके, यहां पर y माइनस y1 करके होना चाहिए, ऐसा तो स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं। तो अब तो करेंगे क्या, इसे माइनस साइन ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी जितना मल्टीप्लाई नीचे भी उतना, तो ये बनेगा x माइनस वन अपॉन, तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना ऊपर मल्टीप्लाई उतना नीचे। अच्छा एक काम करते हैं, ऊपर 7 से डिवाइड मार देते हैं क्योंकि y बनाना है, तो ऊपर डिवाइड मारोगे तो नीचे भी, तो ऊपर वाले को डिवाइड मारते हैं, 7y को 7 से डिवाइड मारा y, 14 को 7 से डिवाइड मारा 2, और नीचे क्या बचेगा 2b/7। आई बात समझ में, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू, ये तो सही दे रखा है, z माइनस z1 अपॉन 2 ठीक है क्लियर है, ये तो अच्छा दिया था। अच्छा दूसरी वाली इक्वेशन को चेंज करते हैं, इसको किससे डिवाइड मारें, माइनस 7 से, किससे माइनस 7x को माइनस 7 से डिवाइड मारोगे x, इसको माइनस 7 से मारोगे 1, और इसको भी माइनस 7 से मार दे डिवाइड इक्वल, ये तो सही लिखा हुआ है y माइनस 5/y। अच्छा इसको माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 क्लियर। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये फर्स्ट लाइन है और ये क्या है सेकंड लाइन, तो अभी ये जो नीचे लिखा होता वो क्या पैरेलल वेक्टर होता है, तो अपना जो b1 वेक्टर निकल के आया वो क्या है माइनस 3i प्लस 2p/7j प्लस का 2k। चलिए दूसरा वेक्टर लेते हैं, नीचे क्या लिखा है माइनस का 3p/7i का, ये क्या कितना लिखा हुआ है 1j का, ये कितना लिखा है माइनस का 5k का, जो नीचे लिखा है वो पैरेलल वेक्टर होता है, तो इसका पैरेलल वेक्टर ये आ गया और दूसरे वाले का पैरेलल वेक्टर ये आ गया। अच्छा दो लाइंस आपस में कैसे हैं तो इनके ये वाले वेक्टर्स भी कैसे होंगे परपेंडिकुलर, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो हम क्या करेंगे बेटा b1 डॉट b2 इक्वल टू जीरो कर देंगे। अच्छा इनका डॉट जीरो करें तो i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से, तो माइनस 3 इनटू माइनस 3p/7 प्लस j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट से 2p/7 इनटू 1 प्लस k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट से 2 into -5, ये प्रोडक्ट कितना होगा जीरो। चलिए फटाफट कैलकुलेट करके बताओ p कितना आता है इस फील्ड में,
फटाफट कैलकुलेट करें बच्चों, 70 बार पूछा गया क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन पूछने का मतलब है थोड़ा सा डिजी दे दूंगा, है ना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। और खासकर वो स्ट्रेट लाइन को गलता लिखते, कभी भी स्ट्रेट लाइन लिखी हो तो आप उसको देख लें क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, x माइनस x1 अपॉन a है, y माइनस y1 अपॉन b है, z माइनस z1 अपॉन c है, यदि नहीं है तो उसको बनाएं, देन उसके बाद आप नीचे पैरेलल वेक्टर लें या ऊपर पॉइंट लें, क्लियर है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं, हो गया वो क्वेश्चन तो था ना, क्वेश्चन तो ये नीचे है उसको कन्वर्ट कर लिया। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करते हैं, 13 वाले में बेटा देखो आपको दो लाइंस दे रखी हैं, कितनी लाइंस दे रखी हैं, दो लाइंस। फर्स्ट लाइन है आपकी 13 वाले में x माइनस 5/7 इक्वल टू y प्लस 2y-5 इक्वल टू z/y। अच्छा दूसरी लाइन आपको दे रखी है x/1 y/2 z/3। अभी ये देखना है क्या ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। अच्छा ये बताओ ये दो लाइंस कब परपेंडिकुलर होंगी, जब इसका पैरेलल वेक्टर और इसका पैरेलल वेक्टर आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अब इन दोनों के पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनका डॉट जीरो। अच्छा क्या इसका पैरेलल वेक्टर लिख सकते हो बहुत आसानी से, अरे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो ये 7 किसके साथ चला जाएगा, आई के साथ, माइनस 5 के साथ, जे 1 के साथ, के। क्या ये फर्स्ट वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर आ गया। चलिए सेकेंड लाइन का पैरेलल वेक्टर देखते हैं, x माइनस 0/1 y माइनस 0/2 z माइनस 0/3 है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, i के 1 के साथ क्या लगेगा, i कैप 2 के साथ, j कैप 3 के साथ, k कैप, क्या आपको b1 b2 मिल गया। अच्छा अब देखो ये दोनों यदि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इनके करेस्पॉन्डिंग ये लाइंस भी परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अच्छा ये दोनों वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होंगे, जब इनका डॉट जीरो, तो b1 डॉट b2 निकाल लें। तो देखते हैं भाई i का कोफिशिएंट, i के कोफिशिएंट 7 × 1 = 7 प्लस माइनस 5 × 2 -10 प्लस 1 × 3 = 3 सॉल्व करके देखो कितना आया 0। यदि b1 डॉट b2 0 आया इसका मतलब क्या हो गया, b1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b2 वेक्टर, इसका मतलब यदि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग लाइंस भी क्या होंगी परपेंडिकुलर, मतलब l1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू l2 लाइन। ये बात समझ में आई। तो अभी हम लोगों ने कहां तक क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर अप टू 13। अब देखिए इसके आगे 4 क्वेश्चंस हैं, उनका कॉन्सेप्ट अलग है, वो नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, क्लियर है। तो आज हम लोग इतने रखते हैं, नेक्स्ट टर्म पे फिर मिलेंगे, ठीक है।